लेकिन मैडम आज ही देखने में आता है कि अगर बौद्ध धर्म से शादी होती है या बौद्ध धर्म से जब शादी करते हैं तो राजी सब हो जाते हैं, बौद्ध धर्म से शादी हो जाती है, फिर बाद में लड़की पक्ष या लड़का पक्ष ये कह देता है भाई हमें संतुष्टि नहीं हुई है। आज जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज आप वहाँ उपस्थित थे, उसमें हमारी यही डिमांड थी कि बहुत सारे लोग, उनका सोचना ये रहता है कि बौद्ध धर्म से की हुई शादियों को मान्यता नहीं है अभी भारत में, ऐसा रहता है। दो कारण है इसमें, एक तो उनका ऐसा सोचना ये कि क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म ही एक अलग शाखा नहीं माना गया, हिंदू धर्म का हिस्सा मानी गई अभी तक, तो वो ये डरते हैं कि अगर हमने बौद्ध धर्म से शादी की तो इस शादी शून्य घोषित हो जाएगी, बाई चांस कल को अगर तलाक ले लेते हैं बच्चे या उनके जो बच्चे होंगे जो बुद्धिस्ट मैरिज के अंदर उसके अंडर में आए, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या वो बुद्धिस्ट होंगे या वो हिंदू होंगे या उन्हें कौन रखेगा, क्योंकि मानसिकता, किसी भी इंसान की मानसिकता का कोई पता नहीं, आज वो बुद्धिस्ट है कल वो दोबारा हिंदू हो सकता है, क्योंकि किसी कोड हिंदू कोड किसी कानून के अंतर्गत वो नहीं रखा हुआ है, फिर तो वो कभी भी बदल सकता है। एक कारण तो ये था लोगों का डरने का,